नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे थायराइड और ओबेसिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनमें मोटापा इसलिए है क्योंकि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है और वो अपने मोटापे का जो ब्लेम है वो 100% थायराइड पे डाल देते हैं। दे फील कि उनका ओबेसिटी इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि उनका थायराइड बहुत सालों से है और वो थायराइड को ही अपने मोटापे का ओरिजन और उसके रेजिस्टेंस का कारण मानते हैं। इसी वजह से उनके सभी मेथड्स ऑफ वेट लॉस फेल हो रहे हैं। वो डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा और वो बेरियाट्रिक सर्जरी भी नहीं करवा रहे बिकॉज दे फील कि थायराइड की वजह से अब ये वेट कम नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी उन पेशेंट्स में जिनमें T3 T4 थायराइड के हॉर्मोन्स के लेवल कम रहते हैं और उन्हें वो हॉर्मोन्स मेडिसिन के फॉर्म में लेने पड़ते हैं ताकि थायराइड की वैल्यू नॉर्मल रहे। थायराइड एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ये बात सही है कि अगर पेशेंट्स में थायराइड की वैल्यू कम है देन उनमें बॉडी में मोटापा कुछ हद तक आ सकता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो ग्रॉस ओबेसिटी ही बन जाएगा अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं। ज्यादातर ऐसे पेशेंट जिन्हें मालूम है कि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो मेडिसिन ले रहे होते हैं और यूजली उनका थायराइड नॉर्मल रेंज में आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये रहता है कि वो हाइपोथायराइड है और इसलिए उनका वेट बढ़ रहा है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि थायराइड की वजह से इन पेशेंट्स में लगभग 5 kg के अराउंड वेट गेन होता है। उसके ऊपर का जो वेट है वो आपका थायराइड की वजह से नहीं है, रादर आपके लाइफस्टाइल की वजह से और आपकी डाइट की वजह से है। जैसे कि बाकी पेशेंट जिनमें थायराइड नॉर्मल है उनमें वेट बढ़ रहा है, उसी कारण से इन पेशेंट में भी वेट बढ़ रहा है, लेकिन ये थायराइड को सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है। अगर आपको हाइपोथायराइड है यानी कि आपका T3 T4 लेवल जो है वो पहले कम थे और TSH का वैल्यू ज्यादा था और आप इसके लिए टेबलेट्स ले रहे हैं, जैसे कि एल्ट्रोक्सिन की टेबलेट्स यूजुअली लोगों को दी जाती है जो मे बी 50 माइक्रोग्राम, 75, 100 या इससे ज्यादा हो सकती है, प्लस आपको काफी ज्यादा ओबेसिटी है, तो आप इस चीज को थायराइड के साथ 100% कोरिलेट ना कीजिए। अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद आपके हार्मोन लेवल्स T3 T4 TSH ये नॉर्मल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब आप में थायराइड की वैल्यू नॉर्मल है और आप नॉर्मल लोगों की तरह ही अब अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आप इसके बारे में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल है, यानी लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए या आपकी डाइटिंग हो गई या इंट्रागैस्ट्रिक बलून्स या वेट लॉस सर्जरीज, जो भी आपके रेंज में फिट बैठता है उसे जरूर करवाइए। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। थायराइड की बीमारी होने इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एंड आप इसके बाद एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।